लखीसराय से बड़ी खबर आ रही है, जहां सड़क दुर्घटना में चिमनी मालिक की मौत हो गई है। हालांकि परिजन इसे हत्या बता रहे हैं और गांव के ही लोगों पर हत्या करने का आरोप भी लगा रहे हैं। मृतक चिमनी मालिक बेगूसराय जिले के सांभो थाना क्षेत्र के बिजुलिया गांव का रहने वाला था। घटना सुरगढ़ा थाना क्षेत्र के बोरना गांव के समीप की है। बताया जा रहा है कि बिजुलिया निवासी RDX चिमनी मालिक उत्पलकांत बाइक से बेगूसराय के लिए घर से निकला था। इसी दौरान सुरगढ़ा थाना क्षेत्र के बोरना गांव के समीप एक अज्ञात वाहन ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इधर घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में हाहाकार मच गया। आनंद फानंद में परिजन लखीसराय सदर अस्पताल पहुंचे। परिजनों के मुताबिक गांव के ही एक परिवार से पुराना विवाद चला आ रहा था, इसी विवाद में हत्या की बात सामने आ रही है। आइए सुनते हैं जो मृतक के पिता हैं और उसके जो परिजन हैं वो क्या कह रहे हैं। मार दिया, उतार के मार दल के मने रोड पर से। सीताराम रहे, तीनों भाई रहे, बम मारे से बुढ़िया तीनों दल के मार दल के रे, मार के फेंक दल के, मोटरसाइकिल के दूटे अति कर के दल के अति कर दल के। पहना इस विवाद से लल हमरा मिले बार के मार भाई दल के चिमनी को ले सी है। पहना उदल के ना लेबर के मार भाई दल कर के से एक गांव का ही डाटे वाला है। पड़ोसी सर बिजुलिए घर उगरो पड़े छे सर। घर से जा रहा था बेगूसराय सर, अपना चिमनी उमनी चलाता है तो माइनिंग ऑफिस का कुछ काम था, इसलिए जा रहा था, उसी रास्ते में घटना हो किया गया। क्या लगता है हत्या कर दी? हाँ, हत्या इन लोगों के द्वारा। सीताराम सिंह, पेशर राम रक्षी सिंह, मुरारी सिंह, पेशर राम रक्षी सिंह, बम सिंह, पेशर राम रक्षी सिंह। विवाद चल रहा था क्या? पूर्व से बहुत पहले से विवाद था, इसका लेबर को भी पहले मरवा दिया गया था इसी चिमनी पर। RDS चिमनी चला था इनका, अपना चिमनी भट रहा था। अच्छा, तो पहले से केस उस भी चल रहा था क्या? नहीं, केस उस नहीं चल रहा था उस समय। हम लोग पड़ोसी के नाते छोड़ मतलब कम्प्रोमाइज कर दिया गया लोग वेद कहने के बाद। अच्छा, उसके बाद फिर ऐसा घटना किया। क्या नाम है मृतक का? उत्पलकांत। अरे बाप रे, मामला दर्ज कर दिया? नहीं, दर्ज कर रहे। इधर घटना की सूचना मिलने पर सुरगढ़ा थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और सबको पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लखीसराय पहुंचाया। पुलिस क्या कुछ कह रही है इस घटना के बाद, आइए सुनते हैं। आज प्रातः 5 बजे की है। 5 बजे मृतक चला था अपने घर बिजुलिया से, वो बेगूसराय की तरफ जाने वाला था। रास्ते में बोढ़ना के पास किसी अज्ञात चालक के द्वारा धक्का मार दिया गया, जिससे उसकी मृत्यु होना प्रतीत हो रहा है। सबको पोस्टमार्टम के लिए लाया? हाँ, सौ को सुबह में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और आवेदन प्राप्ति पश्चात FIR किया जाएगा। परिजन हत्या का भी आरोप लगा रहा है, ये हमें तो जानकारी नहीं है। अभी तक आवेदन नहीं मिला? अभी आवेदन अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है।